लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने हुकूमत में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत पर सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए। मौके खुसूसी अवाम का नहीं कंपनीज के मफाद का सोचते हैं। क्या ये मुल्क मजाक से चल रहा है? अगर कीमत पहले बढ़ानी थी तो ठोस वजह चाहिए। रिपोर्ट देखकर पंजाबी मुहावरा आ बैल मुझे माव याद आ गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से दरखास्तों पर समाप्त की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटॉर्नी जनरल चेयरपर्सन ओग्रा और सेक्रेटरी पेट्रोलियम पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने पेट्रोल बहरान से मुतालिक काबीना के मीटिंग मिनट्स पेश किए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में जहाँ काबीना लिखा होना चाहिए था वहाँ हर जगह वजीर आजम लिखा हुआ है। इतनी बड़ी सतह पर इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। मीटिंग मिनट से ये जाहिर हो रहा है कि काबीना की कानूनी मुआवजत नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जो अवामी नुमाइंदा नहीं उनकी सोच अवाम के मफाद के लिए है ना ही वो रियासत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों की सोच सिर्फ कंपनी का मफाद है और किसी एक शख्स को खुश करना है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने पेट्रोल किल्लत का जिम्मेदार ओग्रा को ठहराया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने करार दिया कि हुकूमती इदारे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे तो क्या हुकूमत चल सकती है। बादियों नजर में वजारत पेट्रोलियम को रिश्तेदार चला रहे हैं। अदालती इस्तफसार पर सरकारी वकील ने बताया कि 26 तारीख को कीमतें बढ़ाने से मुतालिक ओग्रा ने तजवीज नहीं दी। वजारत पेट्रोलियम ने फोन पर ओग्रा से बात की। चीफ जस्टिस ने हैरत का इजहार किया कि क्या ये मुल्क मजाक से चल रहा है? अगर कीमत पहले बढ़ानी थी तो ठोस वजह चाहिए। रिपोर्ट को देखकर पंजाबी मुहावरा याद आया कि आ बैल मुझे मार।